यूनिट 2 की हद में टीम द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान एक व्यक्ति को संदेहास्पद अवस्था में दिखाई देने से पुलिस ने छानबीन करने पर व्यक्ति के पास से धारदार तलवार पाई गई। पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी पर पहले भी आर्म एक्ट और चोरी के अलग अलग 34 मामले दर्ज होने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भानुदास विदुरकर द्वारा दी गई है। सोमवार को यूनिट 2 की टीम अपने हद में पेट्रोलिंग कर रही थी, उसी दौरान रामनगर चौक पर एक व्यक्ति संदेहास्पद स्थिति में दिखाई दिया, जिसकी पुलिस ने छानबीन की तो उसके पास से धारदार तलवार पाई गई। पुलिस ने व्यक्ति से पूछताछ करने पर राहुल छोटू सूर्यवंशी अम्बाझरी पांडरा बोड़ी निवासी ऐसा आरोपी का नाम बताया गया है। यह आरोपी कुख्यात गुनाहगार होने की बात पुलिस द्वारा बताई गई। इस आरोपी पर इससे पहले विविध ऐसे 34 गुनाह दर्ज है, जिसमें आर्म एक्ट और चोरी के गुनाह है। तलवार मिलने से इस आरोपी पर आर्म एक्ट के तहत गुनाह दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए अम्बाझरी पुलिस को सौंपा गया है। काल दिनांक 6/10/2020 रोजी संपूर्ण यूनिट 2 च्या हद्दीमध्ये आम्ही आपले पथकातील लोकांसह आरोपी चेकिंग, गुन्हेगार चेकिंग आणि प्रोव्हिजन रेट जुगार रेट करिता पेट्रोलिंग करीत असताना रामनगर चौकात एक इसम संशयास्पद स्थितीत मिळाला। त्याला त्याचे नाव विचारले, त्यांनी राहुल छोटू सूर्यवंशी हा अंबाझरी पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत पांढरापुढी येथे राहणारा आहे, अट्टल गुन्हेगार आहे, त्याच्यावर विविध पोलीस स्टेशनमध्ये चोरी आर्म ॲक्टचे असे विविध कलमांवे 34 गुन्हे दाखल आहेत। त्याला चेक केले असता त्याच्याकडे एक धारदार तलवार मिळून आली। तो गुन्हा कुठेतरी गुन्हा करण्याच्या उद्देशानेच फिरत असताना मिळून आलेला आहे। तलवार मिळून आल्याने त्याच्यावर आमच्या पथकाकडून आर्म ॲक्ट अन्वये कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि पोलीस स्टेशन अंबाझरी येथे त्याला ताब्यात घेऊन कारवाईसाठी अंबाझरी पोलीस स्टेशनचा ताब्यात दिलेला आहे। बिलकुल त्याचा तलवार घेण्याचा उद्देश हा म्हणजे कोणाला तरी धमकून काहीतरी गंभीर गुन्हा करण्याच्या उद्देशानेच तो निघालेला होता असा आमचा निष्कर्ष आलेला आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे, क्षितिजा देशमुख, रिपोर्ट INBCN।